हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास एट सिविक्स चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड आपका सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म आपको पता है कि यानी कि बहुत सारे धर्म आप देखते हो इन इंडिया। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, मीन्स कि इंडिया में हर एक धर्म को अपनाया गया है। कोई भी सेकुलर स्टेट नहीं है, अपने आप में कोई सेकुलर स्टेट नहीं है। इन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हमें ये बताता है कि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, कि हमें सभी धर्म, हमने सभी को धर्म को एक्सपेक्ट किया हुआ है। हर एक धर्म जो है हमें एक्सेप्ट किए हुए हैं हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में। बट आप कुछ देखते हो, कुछ कंट्रीज, कुछ अलग अलग सिटीज जो हैं वो सेकुलर है। जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान सेकुलर स्टेट, एक मुस्लिम धर्म निरपेक्ष राज्य है। और सऊदी अरब है, वो आपको मुस्लिम राज्य है। अलग अलग जो है वो अलग अलग स्टेट्स या अलग अलग कंट्रीज, कुछ कुछ कंट्रीज सेकुलर स्टेट्स हैं बट वो अच्छे से सेटिस्फाई नहीं होते। तो हम एक छोटी सी एक पीपीटी की आपकी एक वीडियो, उसमें देखेंगे कि क्या क्या आपका कंट्री सेकुलरिज्म है। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, मैंने बताया था कि इंडिया पूरी आपकी एक सेकुलर कंट्री है। बट कुछ कंट्रीज में अलग जो धर्म होते हैं, कोई अलग कास्ट उसके होते हैं, तो उनको डोमिनेट किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर हिंदू हैं पाकिस्तान में चले गए तो उनके साथ डोमिनेट किया जाएगा, उनको बहुत परेशान किया जाता है। बट आप क्या सोचते हो कि डिस्क्रिमिनेशन सही है नहीं है? बिल्कुल ये गलत है। हम किसी भी स्टेट को या किसी भी कंट्री को एक धर्म के आधार पर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हमें इसको स्टॉप करना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन को। क्योंकि आपको पता है कि जन्म से ही कोई किसी का धर्म नहीं होता। बट ये है कि हम जब भी किसी में कहीं जन्म ले लिया, हिंदू जन्म ले लिया मुस्लिम में, तो हम उसको ये अपना शुरू करते हैं। बट हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि आप किसी भी धर्म को कभी भी अपना सकते हैं। आप हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से हिंदू, सिख ईसाई, आप कभी भी कोई किसी धर्म को चेंज कर सकते हैं। जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल भी नहीं करता, फॉलो नहीं करता कि सिर्फ आप एक ही धर्म को अपनाओ। ठीक है, वो बोलता है कि आप जो आपको धर्म है उसको अपनाओ और वही आके आप फॉलो कर सकते हो। और ना ही इंडिया में ऐसे कोई स्कूल या कॉलेजेस हैं कि वो हम बोलते हैं कि सिर्फ आप हिंदू हैं तो ये मतलब हिंदू ही पढ़ेंगे। नहीं, आप कहीं भी किसी स्कूल में जाके किसी भी लैंग्वेज में आप एजुकेशन ले सकते हो अपनी। इंडिया ने आप अडॉप्ट कर लीजिए स्ट्रेटजी आपकी। अगर हमें एक डेमोक्रेटिक स्टेट, एक डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए तो हमें